राम राम मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और सुबह के बज रहे हैं भाई 11:30 बजे हैं अभी, और घर से निकले, घर पे ही वेट कर रहे थे बुकिंग का। एक पहले बुकिंग आई थी लोकल की, आउटसन तो आ नहीं रही भाई, तो कैंसिल हो गई थी। उसके बाद ये दूसरी आई है, इन कस्टमर को हम ले जा चुके कई बार लखनऊ, तो उनको पहचान के बोलो भैया आ जाओ फटाक से। हम लोग ठीक है भैया आते हैं, मयूर उत्सव में है वो। ये देखिए रीडिंग वीडिंग कुछ जीरो वीरो कर ली है, 11 बज रहे हैं, ईंधन हमारी गाड़ी में इतना है भाई। होता है कि जब पैसे की जरूरत होती है तो पैसे नहीं आते हैं, वही हमारे साथ हो रहा भाई। अब इस समय हमें पैसों की सख्त जरूरत है, लेकिन हम पैसे नहीं कमा पा रहे हैं, तो यही बस है यार। सोचता तो हूँ कि काम आए तो करूँ, लेकिन काम जब आता नहीं तो भाई कैसे करूँ। काम तो हर कोई करना चाहता है भाई, जितने भी हमारे पार्टनर है ओला भाई, ओला उबर चलाते हैं, लेकिन क्या है ना कि काम आता नहीं है, और जब आता है तो भाई हम लोग करते भी हैं। तो वही कस्टमर से बात हो गई, जा रहे पिकअप करने के लिए, जितना जो भी बिल बनेगा बताएंगे, सारी डिटेल आपको बताएंगे भाई। तो बनी रहिएगा हमारे इस ब्लॉग में, जो भी नए हो हमारे इस चैनल पे भाई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं, ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा उन तक वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो देर ना करते हुए चलते हैं भाई सीधा पिकअप करने के लिए, नहीं तो लेट हो जाएगा। जलकुंभी देखो भाई हमारे यहाँ कितनी है, पानी नहीं आ गया था गंगा जी का, तो ये तो खैर बम्बा है, बम्बा की जलकुंभी है ये यहाँ तो एकदम हमेशा ही, मतलब इतना पानी रहता ही रहता है, ये मान के चलो। चलते हैं फिर पिकअप करके, फिर बताते हैं आप लोगों को सारी डिटेल। या ओला में हम दो बुकिंग किए हैं, उबर में एक भी नहीं, और दोनों बुकिंग का ऑपरेटर जो है लगभग 250 रुपये है। और हम खड़े हैं स्वरूप नगर में, यहीं पे कस्टमर को ला के ड्रॉप किया था सामने जहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं, और यहीं पे आके बढ़िया छाया थी भाई, पेड़ की है देखो कितनी मस्त छाया है ये देखो। तो आराम से गाड़ी यहीं साइड में दबा के हमने अपनी खड़ी कर ली है। जो पेमेंट बना था भाई, वो ब्राह्मण थे, मतलब जो कथा वगैरह कराते हैं भागवत वगैरह, तो उनको कहीं से एक गिफ्ट मिला था, यही हमको दे दिए थे, इसी में पैसे डाल के। पैसे तो हमने निकाल लिए हैं, इसको यहाँ पे रख दिया है। चलो ये तो हो गई अलग बात भाई, काम बहुत डाउन है भाई। और कुछ हमारे दोस्त पूछ रहे थे कि भैया स्पीड गवर्नर क्या होता है, उसके बारे में तो कल वाली वीडियो में बनाया दिया था। स्पीड गवर्नर लगे कहाँ, कई सारे कमेंट ये आए। तो स्पीड गवर्नर जो हमारे कानपुर के हैं, कई सारी जगहें हैं, जैसे हमने जो पता किया है, एक बंदा RTO में है, वो बोल रहा था आ जाना हम 5,000 रुपये में लगा देंगे और सर्टिफिकेट भी दे देंगे। तो स्पीड गवर्नर आप 5,000 रुपये में लगवा सकते हो, बार्गेनिंग करना उससे, तो हो सकता है 4,350 में या 4,500 में भी लगा दे। अभी तो मोटा मोटी इसी रेट लिया था 5,000 रुपये। तो फिटनेस वगैरह जब करवाओगे तो उसकी ज़रूरत पड़ती है, तो दलाल लोग तो जो है खाली पेपर बनवा लेते हैं, स्पीड गवर्नर नहीं लगाते हैं। आप चाहो तो लगवा सकते हो, उससे कई सारे फ़ायदे, जैसा कि हम बता दें आपकी गाड़ी बढ़िया माइलेज देगी, जब उससे ऊपर भागेगी नहीं तो भाई माइलेज बेशक अच्छा देगी, और आपकी गाड़ी सुरक्षित रहेगी, आप सुरक्षित। आज भी भैया 250 रुपये काम किए हैं, खाली 2 ही राइड किए हैं, लेकिन खुशी वाली बात यह है कि अपना जो है सिस्टम बन गया है, अब आने वाले दिनों में अच्छे से चलेगा। और अभी तो काम कर ही रहे हैं, लास्ट में बताएंगे। और अभी चलना भाई पीयूष भाई से मिलने, तो हमने कहा खाली हाथ तो जाना सही नहीं भाई, पीयूष भाई अपना इतना अच्छा आदमी यार, तो उसके लिए भी मुंह तो मीठा करा ही दे यार, समझे, तो इसीलिए उसके पास जा रहे हैं, मिलेंगे भाई का मुंह मीठा कराएंगे, मिठाई खिलाएंगे, उसके बाद जो है गाड़ी वगैरह चलाएंगे, उसके बाद अपडेट हम शाम तक बताएंगे कि गाड़ी हमारी कितनी चली, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी ये नमक फैक्ट्री चौराहे पहुंचने वाले हैं भाई, 9 नंबर से नमक फैक्ट्री चौराहे के बीच की रास्ता है, आप देख सकते हो। तो आज भी गणेश विसर्जन भाई भयंकर तरीके से हो रहा है, लेकिन आज लास्ट है, आज के बाद फिर गणेश विसर्जन जो है नहीं होंगे, क्योंकि जो भी हैं आज सारे गणपति बप्पा जितने भी हैं सारे आज विसर्जित हो जाएंगे, कल का सिस्टम नहीं रहेगा। जो भी है आज तक ही सीमित है, क्योंकि दिन काफी हो गए हैं और वो गरु दिन भी लग रहे हैं ऐसा, बल्कि आज ही लग चुके हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग आज विसर्जित कर रहे हैं, तो अपना अपना है यार, कुछ लोग कल कर दिए थे, कुछ लोग आज कर रहे हैं,
तो उसी तरह का है अपना सिस्टम यार जो है। तो अब सीधा चलते हैं पीयूष भाई से मिलने, पीयूष भाई का ऑफिस हम दिखाते हैं कहाँ पे है। ये देखिए नमक फैक्ट्री चौराहे पे आ चुके हैं, ये मुड़ लिए मसवानपुर तरफ के लिए। मसवानपुर की तरफ मुड़ते ही जो ये ओला की गाड़ियां भाई दिख रही हैं आपको सामने, ये वैगन आ रही जैसे खड़ी है, ठीक है टैक्सी नंबर की। और ये भाई दो खंड पे ओला का ऑफिस है, देखो लगा हुआ स्टिकर। चलते फिर भाई से मिलने। तो भाइयों आज के दिन की हो गई शाम, ये देखो गाड़ी चली है कुल मिला के जो है, अरे जीरो तो किया नहीं था यार, टोटल जो है इतना ही दिखा रहा है, कोई बात नहीं। समय आप देख लो 7 बजने वाले हैं और अब जा रहा भाई सीधा घर की तरफ। हालांकि ये रोड जो है मकड़ी खेड़ा सीएनजी पंप से जो है सीधा मैनावती निकलती जाके, अब इधर से जा रहे हैं सीधा घर की तरफ। आर्निंग के बारे में बताते हैं, गाड़ी थोड़ा निकल जाए उसके बाद बताते हैं भाई। हाँ तो भाई बता दें, बस दो ही राइड किए थे ओला में जो है, वही 250 रुपए की, उतना तो सीएनजी लग गया है भाई। आज की अर्निंग हुई जीरो, लेकिन हमारे जो पर्सनल काम थे भाई वो हो गए। अच्छी बात ये रही कि जो काम बहुत दिनों से पेंडिंग पड़े हुए थे वो सारे के सारे पूरे हो चुके हैं, ठीक है। हाँ तो भैया आ गए मैनावती मार्ग पे अपने, ये देखो हालांकि लाइट वाइट लगी नहीं तो बहुत खाली खाली से लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, अपना जो है एडजस्ट कर लीजिए भाई। आप जा रहे हैं घर की तरफ, घर पे जाके आराम से रेस्ट करेंगे। आज का सिस्टम एकदम बिठा दिया है, कल से एकदम प्रॉपर तरीके से लग जाएंगे। हालांकि कल एक प्राइवेट बुकिंग लखनऊ आना और जाना एयरपोर्ट का लगा हुआ है, अगर वो फाइनल होती तो ठीक है, सुबह 8:30 बजे पिकअप करना है जेड स्क्वायर से और लौट वहाँ एयरपोर्ट तक जाना है, मौसी एयरपोर्ट तक, और वहां से वापस लाके जेड स्क्वायर पे छोड़ देना है, प्राइवेट जाना है प्राइवेट आना है, तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब है। तो कल का तो अपना सिस्टम बढ़िया हो जाएगा, नहीं भी ये बुकिंग कैंसिल भी हो जाएगी तो अब क्या है, ओला उबर में जो है गाड़ी अपना सिस्टम बन गया है, अब कल से अपना देखेंगे क्या हो सकता है क्या नहीं। अब यहाँ से निकलते हैं सीधा भाई घर की तरफ, क्योंकि यार समय देखो 7 बजने वाला है। हालांकि गाड़ी तो खैर नहीं चली है, कोई बात नहीं, लेकिन टाइम तो मान लो हो ही गया है। तो अब सीधा चलते हैं घर की तरफ और जैसा भी होता है बताते हैं भाई, कल का अपडेट कल मिलेगा। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग के साथ। तो सभी भाइयों को राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि, व्यस्त रहे, मस्त रहे, हंसते रहे, खिलखिलाते रहे, ओके बाय।